वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट रमज़ान स्पेशल में इफ्तार के लिए बेस्ट वेरी डिफरेंट मैंगो फालूदा बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए यहाँ हमारे पास दो पॉट है। सबसे पहले इस पॉट का हम चूल्हा ऑन करते हैं, फ्लेम रखते हैं मीडियम लो और इसमें डाल देंगे 2.5 कप पानी और अब आ जाते हैं इस पैन पे। तो इसका भी चूल्हा ऑन कर देते हैं, बिल्कुल लो पे रखते हैं और इसमें डालते हैं 1.25 कप पानी और साथ ही इसमें हम 8 ounce वाली जेली का जो पाउडर होता है वो डाल देते हैं। मेरा ऑरेंज फ्लेवर है, आप कोई भी ले सकते हैं और इसको जब तक हिलाएंगे जब तक कि ये डिसॉल्व ना हो जाए कम्प्लीटली। और अब फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर देंगे यानी मीडियम लो कर देंगे। ये इतना रिफ्रेशिंग है, इजी है, सिंपल है, इफ्तार के लिए बेस्ट है, इफ्तार पार्टी के लिए भी और अगर घर में खुद से इफ्तार कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि सिंपल बहुत है और सारी चीज़ें इतनी वो है जो आजकल इन है यानी मैंगो खुद बजात खुद। अब फ्लेम को मीडियम कर देते हैं, पाउडर जो है वो डिसॉल्व हो गया है तो बस अब इसे कुक होने देते हैं। और यहाँ देखें हमारे पास है तुकमलंगा 2 tablespoons जिसको बेजल सीड्स भी कहते हैं, तो इसमें अब हम डाल देंगे ऑलमोस्ट 1 cup पानी और उसको हिला लेंगे। पानी जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर है तो बस अब इसको साइड में रख देंगे और यहाँ देखें पानी में सिजल सिजल हो रहा है तो यहाँ हमारे पास रंगीन सेवैयाँ हैं जो कि मैंने 1 cup ली है, ये बड़ी इजीली अवेलेबल है लबेशीरी में जो डालते हैं वो, तो इसको डाल देंगे अपने पानी में और अब इसको हिला लेंगे। यहाँ देखें जेली जो है इसमें उबाल आ गया है तो अब इसे जो है हम कोई भी हीट प्रूफ कंटेनर हो ना उसमें डाल देंगे। तो ये मेरी एक डिश रखी हुई है, चूल्हा बंद करते हैं और उसको इसमें डाल देते हैं। तो अब इसे झटपट जमाने के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा सा 1-1.5 मिनट ज़्यादा धुआं कम हो जाएगा फिर फौरन रख देंगे ताकि जल्दी जम जाए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप बाहर भी रख सकते हैं और अगर आप एक्सट्रीमली रश में है तब आप इसको फ्रीज़र में भी थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, ओवर नहीं, अदरवाइज़ वो जमना शुरू हो जाएगी। सिवैयों को उबलते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट्स हो गए हैं तो अब इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं। तो चूल्हे को करते हैं बंद और यहाँ देखें मैंने एक छन्नी रखी है, एक बोल है तो इसे स्ट्रेन कर लेंगे, छन्नी में डाल देंगे। ओवर कुक नहीं करेंगे, ओवर कुक करने से क्या होता है कि कलर्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। ये मैंने कुक किया ऑलमोस्ट 6 मिनट के आसपास और अब इसको थोड़ा सा रिंस कर लेंगे ठंडे पानी से। यहाँ देखें जेली जो है उसमें से धुआं निकलना ख़त्म हो गया है तो इसे अब हम फ्रिज में रख देते हैं। हमारे पास 2 mango हैं, आप किसी भी किस्म के मैंगो ले सकते हैं, काटते हैं बोन से बिल्कुल जो है ना उसकी गुटली से टच करके स्लाइस करेंगे तो मैक्सिमम अच्छे वाले पीसेस निकलेंगे। ये देखें इस तरह से और अब इसको यहाँ से काटेंगे, इस तरह से काटेंगे। और आप कोई भी स्पून लेंगे उससे इस तरह से ये निकाल लेंगे। जेली के जमने पे मिलते हैं। यहाँ देखें हमारी जेली जो है वो जम गई है तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं।
और अब हम फालूदा असेंबल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले डालेंगे सेवइयाँ, तो फोर्क से थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, 2 टेबलस्पून के आसपास डालेंगे। अब इसके ऊपर डालेंगे तुक मलंगा, एक टेबल स्पून के आसपास। अब इसके ऊपर डालेंगे रूए अफ़ज़ा। ये बेसिकली मैंने बनाया है बहुत साल पहले, और जब से ये देखे अभी तक इसी तरह है, इतना कॉन्सेंट्रेटेड और इतना अच्छा है, और इतना देखे डीप कलर है। अगर आपने नहीं देखा है जिसको मैंने रूबी अफ़ज़ा का नाम दिया था, तो मैं उसका लिंक क्या देती हूँ, आप ज़रूर बनाइएगा। तो इसको डालेंगे, ये भी डालेंगे अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। और अब इसके ऊपर डालेंगे दूध। अच्छा, तो ये मैंने इवेपोरेट मिल्क लिया है। अगर आपने नहीं देखा है कि इवेपोरेट मिल्क किस तरह से बनता है, तो मैं उसका लिंक क्या देती हूँ। अदरवाइज कोई भी दूध लेके गाढ़ा कर ले और थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए तो वो डालेंगे। तो ये मेरा इवेपोरेट मिल्क है। तो ये डाल देंगे 6-6 टेबलस्पून के आसपास। और अब इसके ऊपर डालेंगे मैंगो, अगेन इसके ऊपर सेवइयाँ डालेंगे। फालूदे का होता ही इस तरह है ना, बिरयानी की तरह लेयरिंग। और अगेन डालेंगे तुक मलंगा। अब डालेंगे जेली थोड़ी सी, इसके ऊपर या तो क्रीम डालें या कंडेंस मिल्क। तो मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, तो इससे क्या रिच सा हो जाएगा। और अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम डाल सकते हैं, क्योंकि दूध जो था ना हमारा वो मीठा नहीं था। और अगर आपको दूध जब बना ही रहे हैं और मीठा करना है, तब आप शक्कर भी डाल सकते हैं, फील फ्री। लेवल 1-1 टेबल स्पून के आसपास डाल दिए, मीठा ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा डाल दें। अब इसके ऊपर डालेंगे अगेन मैंगो, अब इसके ऊपर डालेंगे आइसक्रीम का 1 स्कूप। वैसे मैंने वनीला आइसक्रीम बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ। मैंने इसमें था वनीला आइसक्रीम में थोड़े से पिकान डाले थे, अब आपको जैसा अच्छा लगता हो जो भी आप आइसक्रीम डालें। और ये मैंने लीचीज़ जो है वो काट के रखी है। लीचीज़ जो है वो मैंगो के साथ बहुत अच्छी जाती है, तो मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने काट के रख दिए। अगर आपके वो भी कोई इस तरह से फ्रूट डालना हो तो फील फ्री आप डाल सकते हैं, आना की फेवरेट। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम इसके ऊपर थोड़े से नट्स गार्निश कर देंगे। मेरे पास ये आमंड्स है, रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा मैंगो फालूदा बन गया, मानते हैं आप? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। हेवन हेवन। इस कदर फ्लेवरफुल है, इतना मज़े का है कि बता नहीं सकते, ख़तरनाक। कातिल दाना, ख़तरनाक।
जितना सिंपल है इतना ही ख़तरनाक है। और मैंने जो ओरिजिनल जो फालूदा होता है वो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक कर देती हूँ। उसमें ओरिजिनल जो सेवैयाँ भी होती है ट्रेडिशनली, वो भी मैंने बनाई है। और ये जो है ये आपको लगेगा लबे शरीफ फालूदा लगेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मिल भी रही है और बहुत सारी फालूदे की भी है, लेकिन आप लोगों को बिलीव मी जूम उठेंगे पी के। दूध भी ठंडा ठंडा फ्रिज में रख दीजिएगा एकदम चिल्ड और मज़े कीजिएगा, तो बनाना बनता है। तो चले जल्दी जल्दी जाएँ बनाएँ, खूब मज़े करें और इफ्तार में चार चार लगा दें। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।